गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बेटे अपना जो लेसन है यहाँ तक थ्री पैराग्राफ्स हो गए थे बेटे. नेक्स्ट देखिए, रीडर्स लीजिए बेटे, रीडर्स लेके बैठिए. हाँ, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है. तो जो दिखावा है, जो भौतिक वस्तु है, यानी जो हमेशा अपने साथ नहीं रहने का है, जो चीजा है, चीजों को वैल्यू नहीं दिए थे अपने भारतवर्ष के लोग. इंसान को वैल्यू दिए थे, इंसान को वैल्यू दिए थे, थिंग्स को नहीं. उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है. लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं. तो पहले जमाने के लोग जो थे वो लोग चीजों को वैल्यू नहीं दिए थे बेटे, वस्तुओं को वैल्यू नहीं दिए थे, इंसान को वैल्यू दिए थे. मगर आजकल जो है जितनी चीजा यानी जितना दिखावा है उतना सारा वैल्यू है. घर में अपने घर में बहुत सारा यानी वेल फर्निश्ड है, अच्छा है सब कुछ, हर चीज है और नया इक्विपमेंट है, हर चीज है अपने घर में, तो वैल्यू जरा अच्छा मिलता. अपने घर में कुछ भी नहीं है समझो, यानी वस्तुओं को देख के आजकल इंसान को वैल्यू मिल रहा. तो वो जमाने के लोग ऐसा नहीं थे, वस्तुओं को नहीं इंसान को वैल्यू देते थे. तो वही कहने लगे लेखक. तो आजकल कैसा हो गया बोले तो काम क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं. तो इंसान में हर एक गुण रहता, अच्छाई रहता, बुराई रहता, लालची रहता, लोभी रहता, हर प्रकार के गुण उसमें विद्यमान रहते यानी मौजूद रहते. तो जैसा जैसा सिचुएशन आता वैसा वैसा वो अपना जो है उसमें वो बाहर दिखाता. ओके, हमेशा गुस्सा नहीं दिखाता ना बेटे, कुछ सिचुएशन ऐसा आया तो गुस्सा प्रकट करता. तो ऐसा तो हर एक इंसान में ये पूरे विद्यमान रहते यानी मौजूद रहते. पर उन्हें प्रधान शक्ति माना मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है. तो कहने लगे जो इंसान सिचुएशन में भी उसको प्रकट करता मगर जब भी अगर रोक सकता उन्हें तो वो सच्चा इंसान है. सिचुएशन ऐसा है गुस्सा दिलाने वाला ही है मगर प्रकट नहीं करना, थोड़ा पेशेंस से काम लिए तो वही इंसान सच्चा इंसान है. ये पूरे चीज अपने दिल, अपने शरीर में विद्यमान रहते बेटे मगर उसको प्रकट नहीं करना है नहीं ज्यादा. प्यार जो है प्रकट कर सकते मगर जो गुस्सा है वो प्रकट नहीं करके उसको अगर थोड़ा काबू में कर लिए, पेशेंस से काम लिए तो अच्छा रहता बोल के कहने लगे. भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया. संयम यानी पेशेंस. तो वही कहने लगे भारतवर्ष ने ऐसा नहीं किया. सी गांधी जी जब स्वतंत्रता आंदोलन शुरू करे थे बेटे उनका एम एक ही था, अहिंसा. अहिंसा, हिंसा से नहीं, अहिंसा से. तो इतना पेशेंस था, इतना पेशेंस था तो अहिंसा के मार्ग पर ही चल के उन्होंने भारत देश को आजादी दिलाई. तो वही कहने लगे यहाँ पे लेखक कि अपना जो है संयम के बंधन से बंध कर रखने का प्रयत्न किया है. वो लोग अपन नहीं, वो लोग अपने को उतना पेशेंस नहीं है, वही कंपैरिजन चल रहा है यहाँ पे. परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की अपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की अपेक्षा नहीं की जा सकती. मगर ये कहने लगे आजकल सिचुएशंस ऐसे हैं कि थोड़े चीजों पे संयम से नहीं रख सकते, अपन पेशेंस से नहीं रह सकते. जैसे कि भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, भूख लगी नहीं मिल रहा खाना तो गुस्सा प्रकट नहीं कर सकते, ये दमे पे आ जाता. ओके, सेकंड थिंग, बीमारी के लिए दवा की अपेक्षा नहीं की जा सकती. बीमारी है किसी को तो दवा नहीं मिल रही तो वहां पे भी अपन संयम से नहीं रह सकते, अपेक्षा की जा सकती वहां पे. हाँ, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की अपेक्षा नहीं की जा सकती. हाँ, वेट नहीं कर सकते, ये चीजों के लिए वेट नहीं कर सकते, गुस्सा आ जाता जल्दी. ओके, चाहे वो भूख हो या बीमारी के लिए दवाई हो या कोई गुमराह हो गया यानी कोई गलत रास्ते पे चल रहा बेटे, गुमराह हो गया उसको वापस फिर सही रास्ते पे लाना है तो यहाँ पर भी अपेक्षा नहीं की जा सकती. तो यही कहने लगे लेखक.
तो आज यहीं पर रोकते हैं बेटे, धन्यवाद।